हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को अजीनोमोटो खाने के नुकसान के बारे में बताऊंगी। मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग काफ़ी ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। इन पैकेज और जंक फूड में अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है। ये अजीनोमोटो एक तरह का नमक होता है। ये खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है। अजीनोमोटो नमक को मोनोसोडियम ग्लूमेट भी कहा जाता है। ये वाइट क्रिस्टल कलर का होता है। अजीनोमोटो में एमिनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। अजीनोमोटो की खोज साल 1909 में जापान के साइंटिस्ट किकुनाई अकेडा ने किया था। इसे यूमामी टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। अजीनोमोटो को एशेंस ऑफ टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। ज़्यादातर चाइनीज़ खाने जैसे नूडल्स, फ्राइड राइस और मंचूरियन खाने में अजीनोमोटो का इस्तेमाल होता है। जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और मैगी मसाले में अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल सॉसेज जैसे टमाटो सॉस, सोया सॉस में भी किया जाता है। पैकेज फूड जैसे चिप्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जानते हैं अजीनोमोटो खाने से होने वाले नुकसान के बारे में। चाइनीज़ खाने में मिलने वाला अजीनोमोटो आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इससे तंत्रिकाओं पर असर पड़ता है और ब्रेन डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। इसमें पाए जाने वाला ग्लूटामिक एसिड एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह दिमाग में काम करता है। शरीर में इसकी ज़्यादा मात्रा होने पर दिमाग को नुकसान पहुंचता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि जंक फूड हमें मोटापे का शिकार बनाता है। वजन बढ़ने पर शरीर में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ लोगों को चाउमीन और मोमोज खाने की आदत सी हो जाती है। इसकी वजह चाइनीज़ खाने में पाए जाने वाला अजीनोमोटो है, जो इसके लिए आपकी भूख को बढ़ाने का काम करता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को चाइनीज़ खाना नहीं खाने की सलाह दी जाती है। इसकी बड़ी वजह अजीनोमोटो ही है। अजीनोमोटो में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रेगनेंसी में सोडियम इनटेक कम लेना होता है। ज़्यादा खाने से सूजन और असहजता महसूस होती है। बच्चे के दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। चाइनीज़ खाने में पाए जाने वाला अजीनोमोटो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या देता है। अगर आप पहले से ही बीपी के मरीज हैं तो आपको अजीनोमोटो के उपयोग वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर की समस्या और गंभीर हो सकती है। अगर आपको नींद और माइग्रेन से जुड़ी समस्या है तो इसकी एक बड़ी वजह अजीनोमोटो भी हो सकती है। अजीनोमोटो वाला खाना खाने से नींद नहीं आती और दिमाग में उत्तेजना पैदा होती है। इसे ज़्यादा खाने से सिर दर्द की समस्या भी होने लगती है। अजीनोमोटो वाला खाना खाने से दिन भर थकान रहती है। अजीनोमोटो में सोडियम के कारण जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है। कुछ लोगों को अजीनोमोटो के सेवन से पेट में जलन, एसिडिटी या एसिड रिफ्लेक्स जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। अजीनोमोटो का अधिक सेवन करने से कैंसर सेल्स बढ़ते हैं, जिससे आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के शिकार हो सकते हैं। एक स्टडी के अनुसार अजीनोमोटो का इस्तेमाल कैंसर के चांस को बढ़ा देता है। कुछ लोगों को अजीनोमोटो खाने से पित्ती, खुजली और यहाँ तक कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।